15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों ने यहाँ से बाहर जाने के लिए अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा थी उस समय पे। हिंदुस्तान जो था वो जहाँ अंग्रेजों के शासन में भी था वहां पर छोटे छोटे राज्य और रियासतें हुआ करती थी, मतलब जहां पर अपने राजा हुआ करते थे, अपने नवाब हुआ करते थे जिनकी अपनी सत्ता थी। तो लगभग नहीं क्लियर, उस समय पे देश में 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी, है ना। तो इन रियासतों के राजा जो थे वो अपनी राजशाही, अपने राजत्व को यानी कि अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। और ये 562 जो रियासतें थी वो भारत, जो आज का भारत है, उसका 40% थी, यानी कि 40% जो भूमि थी वो किसके अधीन आती थी? 562 रियासतों के अधीन। तो इन रियासतों को, इन राजाओं को, इन नवाबों को स्वतंत्र भारत में शामिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इन रियासतों को, इन राज्यों को भारत में शामिल करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी वजह से, चूंकि ये बहुत मुश्किल काम था, राजा अपनी अपने शासन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, नवाब अपनी नवाबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक सहयोगी वीपी मेनन के साथ मिलकर के इस कार्य को करने का बेड़ा उठाया। और हम देखते हैं कि आखिरकार जो है वो कामयाब भी हो पाए, है ना। और इसी वजह से, चूंकि इतना कठिन कार्य किया था उन्होंने जोड़ने का, इसी वजह से उन्हें भारत का आयरन मैन या लोह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। खास तौर से बेटा, जब इन 562 रियासतों को भारत में शामिल करने की बात थी, कितनी रियासतों को? 562 रियासतों को शामिल करने की बात थी, तो 562 में से 559 रियासतें मान गई थी भारत में शामिल होने के लिए, लेकिन 3 रियासतें इसके लिए तैयार नहीं थी। कौन कौन सी रियासतें? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, ये 3 रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। तो सबसे पहले जूनागढ़ रियासत का जो नवाब था वो पाकिस्तान में अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार था, तो उस पर दबाव बनाया गया। वहां की जनता जो थी वो हिंदू थी, तो वहां पे दबाव बनाया गया, वहां पे मिलिट्री भेजी गई जूनागढ़ रियासत में। जूनागढ़ कहां पड़ता है बेटा? ये भी सौराष्ट्र के पास है। कौन सी जगह के पास है? सौराष्ट्र, यानी कि गुजरात का क्षेत्र है ना। आजकल का जो गुजरात है ना, वो जूनागढ़ उसमें पड़ता था, तो वहां पे मिलिट्री को प्रवेश कराया गया। और आखिर में आकर के सितंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, यानी कि मिल गई। इसके बाद हैदराबाद का जो नवाब था वो भी तैयार नहीं था, लेकिन हैदराबाद के नवाब को भी भारत में विलय कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में तैयार कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और है कि जिस समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इन रियासतों को भारत में शामिल कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे, उस समय पे वो क्या थे? भारत के गृहमंत्री थे, पहले गृहमंत्री, भारत के पहले गृहमंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, ठीक है बेटा। तो इस महत्वपूर्ण कार्य को करने का जो श्रेय है वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और
15 दिसंबर सन 1950 ईस्वी को इस लोह पुरुष यानी के आयरन मैन ऑफ इंडिया अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। सन 1991 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरने के बाद भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है ना, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया सन 1991। ठीक है बेटा, फिर जो आज आप देख रहे हैं मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनके जितना उनका ऊंचा व्यक्तित्व था, जितना ऊंचा उनका कद था, उसी के मद्देनजर रखते हुए, उसी के परिणाम स्वरूप दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में स्थापित हुई। कितनी ऊंची मूर्ति? 182 मीटर ऊंची मूर्ति जो है वो बनाई गई है सरदार सरोवर बांध के पास में, नर्मदा जिला है, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है वहां पर इनकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, उस मूर्ति को क्या बोला जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? यूनिटी तो बोल दो एक बार। क्या चलो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतीक है। ठीक है, तो ये बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में हमने ये थोड़ी चीजें आपको बताई। इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये एकमात्र पुत्री थी, उनके कोई और बेटा नहीं था, सिर्फ यही एक पुत्री थी। और ये बड़ा गौरव और हर्ष का विषय है कि एक महिला प्रधानमंत्री ने उस समय पर जब हमारा देश, अरे सुन लीजिए, जो हमारा देश उस समय पर बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में व्याप्त थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऊंचाइयों पर पहुंचाने के कारण क्या थे और वो कौन सा कार्यकाल था? सन 1966 से लेकर के 1977 तक है ना, तीन योजनाओं तक वो लगातार प्रधानमंत्री रहे, तीन बार प्रधानमंत्री लगातार बनी हो। ठीक है, 1966 से 1977 ईस्वी तक। अब उनके कार्य क्या थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? नंबर एक, सबसे पहले प्रधानमंत्री साहिबा ने सन 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया। पहले बैंक जो थे वो प्राइवेट हुआ करते थे बेटा, तो उन्हें सरकार ने अपने अधीन ले लिया। कौन से सन में? सन 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। 14 बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि अब वो सरकारी बैंक हो गए। ठीक बेटा, फिर दूसरा, भारत को, सॉरी पाकिस्तान, आपको मालूम है 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने,
वही पाकिस्तान बना, एक भारत बना, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था उस समय पे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था? जो आजकल का बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान वो था जो आजकल का पाकिस्तान है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था अर्थात बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो निवासी थे वो ये चाहते थे कि हम अपने आप में स्वतंत्र देश बने, है ना, हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र। तो वहां की जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के पक्ष में अर्थात जो आजकल का बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नागरिकों को स्वतंत्रता की हवा चखाने हेतु अपनी सेनाएं बांग्लादेश के पक्ष में भेज दी। और सन 1971 में, कौन से सन में, 1971 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, है ना, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया और इंदिरा गांधी साहिबा ने एक स्वतंत्र बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या उन्हीं का ही योगदान था। आजकल का जो बांग्लादेश है वो किसकी वजह से एक स्वतंत्र देश बन पाया? इंदिरा गांधी की वजह से। उस युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया था और लगभग 93,000 पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें क्या कर लिया था? बंदी बना लिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिस समय पर पाकिस्तान से युद्ध हुआ वो कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे। कौन थे? रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन भी इंदिरा गांधी से काफी नफरत करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा था, उनके बारे में क्या सोच रहा था, उसकी परवाह भी नहीं की। कितनी बड़ी शक्ति से भी वो टकरा गई तो आज जो बांग्लादेश बना है वो उन्हीं की वजह से बना। फिर तीसरी चीज और है बेटा, उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के